गंधर्व संगीत के माध्यम से, गंधर्व वेद की जो गंधर्व संगीत है उसके माध्यम से बाहर के तमाम देशों में गए। महर्षि महेश योगी के श्री चरणों में बैठ करके आप न जाने कितनी बार अपने बांसुरी का वादन किया, और आपके साथ ब्रह्मचारी गिरीश जी भी साथ में रहे। आपका अपना अनुभव क्या है गंधर्व संगीत के साथ, महर्षि जी के साथ और ब्रह्मचारी गिरीश जी के साथ? एक दफा क्या हुआ कि 82 या 83 में गिरीश जी आए घर पर कि अमेरिका चलना है। महर्षि जी ने कहा कि जाना है, लेकिन क्योंकि किसी कारण में नहीं गया। लेकिन 93 में मैं वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड उनके साथ घूमा और बहुत आनंद है, इतनी शांति, मतलब वो अलग ही माहौल है। कौन कौन महर्षि जी के साथ उनके टूर पे गया मैं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका भी गया बहुत और शहरों में भी गया। और एक महीना में एक हॉलैंड में था, तो अप्रैल का महीना था, तो पासपोर्ट पे तो मेरा वो लिखा होता ना कि 15 अप्रैल को, 15 को देखा हर जगह मेरे पोस्टर लगे हुए हैं और जन्मदिन मना रहे। तो महर्षि जी महेश योगी जी उनका आशीर्वाद मिला, मेरा वो जन्मदिन मनाया 1993 में, उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया। तो मतलब फिर मुझे 42 कंट्री से वो आए, हमें तो उस जमाने में तो चैनल तो हुआ नहीं करते, लेकिन उनके अपने चैनल इतने होते थे कि रात को मेरे मैसेज आए कि भाई आपको वहाँ से, जापान से, तो अमेरिका से, तो यहाँ से, वहाँ से खूब सारे मैसेज आ रहे हैं और कार्ड आ रहे हैं यार। तो मुझे उसका फोटो कॉपी करके मुझे सारा भेजते गए उनकी जो ड्यूटी थे। तो मुझे एक अजीब सा लगा कि मत देखिए वो पासपोर्ट देख के, और महर्षि जी ने मुझे फ्लावर दिया और फिर उनके सामने केक काटा उन्होंने, मतलब कि मुझे काटा मैंने ही लेकिन उनके सामने ही, तो ये अपने आप में था। फिर हमने उनको सुनाया, फिर आशीर्वाद दिया। तो वो एक अलग ही अद्भुत इंसान थे और महात्मा थे, क्योंकि उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। और एक महीने था मैं उनके साथ, बहुत आनंद आया। और वैसे पूरे काफ़ी जगह मैं जहाँ जहाँ भी गया, एक तो उनके सुनने वाले बिल्कुल अलग है, उनके मेन तो है मेडिटेशन, हम बजा रहे हैं अपना वो आनंद को, आँखें बंद कर, हमें कभी कभी लगता था कि यार ये आँखें बंद कर ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, लेकिन जब खत्म होता था तो इतने खुश होके इतनी अच्छी ताली, मतलब 5-5 मिनट तक खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। हमें लगता था कि वो पता नहीं आके सो गए या क्या है, हमें लगता था, हम तो यहाँ से गए ना बजाने, तो हमें वहाँ पे इस तरीके से माहौल आता था। लेकिन इतने अच्छे सुनने वाले मिले मुझे, और अभी भी कभी कोई वहाँ के मिल जाते हैं तो बहुत प्यार। और ब्रह्मचारी गिरीश ने उस पीठ को जिस तरह से संभाला है, तो ब्रह्मचारी गिरीश जी को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए एक तो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मोहब्बत है। एक्चुअली वो देवू जी के शागिर्द थे, सितार भी उन्होंने सुर किया, तो जो म्यूजिशियन है उनके साथ तो बहुत प्यार है, और हमें अभी भी वैसे प्यार देते हैं जैसे कि आम, अब तो संत हो गए हैं और संत जैसे हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमारे अपने हैं वो, और ईश्वर उनको हर तरह से कामयाब करे। महर्षि जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है, हम सबको भी उनका और महर्षि जी सबका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी राजेंद्र प्रसन्ना भाई, ऋषभ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।